मारवाड़ी मिलिट्री आप देख रहे हैं। आज 25 सितंबर 2024 बुधवार का दिन हिंदू तिथि आश्विन माह की अष्टमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण का मतदान आज बुधवार को होगा। इस दौरान 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और पीडीपी समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। बड़ी बात यह है, आज इसी चरण में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना समेत कई महत्वपूर्ण प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। वहीं आपको बता दूं, आज होने वाले दूसरे चरण के मतदान में लाल चौक से लेकर माता वैष्णो देवी और राजौरी पुंछ से लेकर हजरतबल और गांदरबल जैसी महत्वपूर्ण विधानसभा सीटें शामिल है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से माता वैष्णो देवी कटरा दर्शन करने जाने वालों के लिए रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है। अब उदयपुर से डायरेक्ट माता वैष्णो देवी के लिए ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। हालांकि यह ट्रेन सप्ताह में एक ही दिन चलेगी। यह ट्रेन 2 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच चलेगी। उदयपुर से वैष्णो देवी कटरा स्पेशल ट्रेन 2 अक्टूबर से हर मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात करीब 1:50 पर रवाना होकर गुरुवार सुबह 6:30 कटरा पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव राणा प्रताप नगर, मावली, चंदेरिया, भीलवाड़ा, मांडल, विजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, रिंगस, सिक्कर, नवलगढ़, झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, लोहारू, शार्दुलपुर, सिवानी, हिसार, धुरी, लुधियाना, जालंधर, कैंट व जम्मू तवी पर ठहराव होगा। आगे बढ़ते हैं। कोर पड़ी खबर, राजस्थान में सवाई माधोपुर से कोटा के बीच 108 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक अब कवच से लेस हो गया है। रेलवे ने यहां स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 को स्थापित कर दिया है। अच्छा, इस कवच सिस्टम का फायदा क्या होगा वह आपको मैं बता देता हूं। जैसे दो ट्रेनें आमने सामने से आ रही है तो यह कवच सिस्टम दोनों ट्रेनों को आमने सामने आने पर ऑटोमेटिक रोकने का काम करता है। यानी इससे हादसों में कमी आएगी, ट्रेनें आपस में भिड़ेगी नहीं, आमने सामने आते ही ट्रेन रुक जाएगी। सवाई माधोपुर से कोटा ट्रैक पर इस सुरक्षा कवच को स्थापित किया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उदयपुर से बड़ी खबर, उदयपुर से 45 किलोमीटर दूर गोंगुदा ग्राम पंचायत में 2 लेपर्ड को पकड़ लिया गया है। दरअसल गोंगुदा की छाली ग्राम पंचायत के 3 गांव में लेपर्ड ने 2 दिन में 5 किलोमीटर के दायरे में 3 लोगों को मार डाला था, जिसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत थी। वन विभाग और आर्मी की टीम लेपर्ड की तलाश में जुटी थी। अब राहत की बात यह है, उमरिया गांव में सोमवार देर रात वन विभाग के लगाए गए पिंजरे में 2 लेपर्ड कैद हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दूं, इन पिंजरों में मांस और मछली की गंध वाला पानी रखा गया था। इसे खाने के लिए लेपर्ड पिंजरे में घुसे और कैद हो गए। इस सूचना के बाद अब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राज्य सरकार ने एक और तोहफा दिया है। इसके तहत अनुदान में 10% की वृद्धि की गई है। यह निर्णय 1 अक्टूबर से लागू होगा। बड़ी खबर यह है, राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गोवंश के अनुदान में 10% वृद्धि करने का ऐलान किया है। यह वृद्धि अक्टूबर माह से लागू होगी। गोपालन और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि राज्य सरकार गोवंश और संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। कुमावत ने कहा कि गौशालाओं को मिल रहे अनुदान में वृद्धि से गौशाला प्रबंधकों को लाभ मिलेगा, साथ ही में गोवंश को भी सहज सुविधाएं उपलब्ध होगी। अच्छा, आपको बता दूं, पंजीकृत गौशालाओं में 1 अक्टूबर से बढ़ने वाली अनुदान राशि के तहत बड़े गोवंश के लिए 40 रुपए के स्थान पर 44 रुपए और छोटे गोवंश के लिए 20 रुपए के स्थान पर 22 रुपए का अनुदान प्रतिदिन दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, अब निजी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले और निजी अस्पतालों में जन्मी बेटियों को भी 1,00,000 रुपए की सहायता मिलेगी। सरकार ने मुख्यमंत्री राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में मर्ज करने के बाद इस योजना में यह महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इससे पहले राजश्री योजना का लाभ केवल सरकारी अस्पतालों में जन्मी और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों को ही मिलता था। आपको बता दूं, पिछले वर्षों में सरकार ने पहली किस्त के तहत बेटियों को 38.19 लाख रुपए की सहायता दे दी है। अब इस योजना में बड़ा बदलाव ये हुआ है, निजी स्कूलों में पढ़ाई और निजी अस्पतालों में जन्म लेने वाली बेटियों को भी योजना का लाभ मिलेगा। और अब परिवार में बेटियों की संख्या की बाध्यता को भी हटा दिया गया है। यदि किसी किस्त को छोड़ दिया जाता है तो अगले चरण में राशि मिलने में कोई रुकावट भी नहीं होगी। जन्म के समय सेविंग बॉन्ड की जगह अब सरकार केवल संकल्प पत्र देगी। कक्षा 12वीं पास करने पर मिलने वाली छठी किस्त अब 12वीं में प्रवेश लेते ही मिल जाएगी। तो यह कुछ इस योजना में बदलाव हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। यह खबर भी आपके लिए बेहद ही काम की है। बच्चों द्वारा लगातार मोबाइल देखे जाने के बाद बच्चों के चश्मे लगने का सिलसिला तेज हो गया है।
और बड़ी बात यह है, इसके चलते खुद नेत्र रोग विशेषज्ञ चिंता में पड़ गए हैं। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में लगातार इस तरह बच्चों के आंखों से शिकायत को लेकर परिजन पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों की माने तो अभिभावक अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने के कारण बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं और उन परिस्थितियों में बच्चे मोबाइल के इतने अधिक आदि होते जा रहे हैं कि उन्हें चश्मे लगाने पड़ रहे हैं और बच्चों का विजन भी कमजोर होता जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि खाली समय में घंटों लगातार मोबाइल चलाने की वजह से बच्चों की आंखें कमजोर होती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में चांदी 500 रुपए कम होकर 90,700 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना 100 रुपए बढ़कर 76,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 100 रुपए तेज होकर 71,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। बीते कई दिनों से लगातार सोने और चांदी के भाव में उछाल देखने को मिल रहा है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, आप घर बैठे जांच कर सकते हैं कि आपका सोना असली है या नकली। वैसे तो आपको सलाह दूंगा, जब भी आप सोना खरीदे तो हॉलमार्क लगा हुआ सोना ही खरीदे। वैसे एक ट्रिक और है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि सोना असली है या नकली। आपको विनेगर का इस्तेमाल करना होगा यानी कि सिरके का। सोने के आभूषण पर अगर आप सिरका रगड़ोगे तो अगर सोने के रंग में कोई बदलाव नहीं आता है तो यह शुद्ध सोना माना जाता है। नकली सोना विनेगर के संपर्क में आते ही पीला रंग छोड़ देता है और काला या भूरे रंग का हो जाएगा। मंडियों की बात करें तो बीकानेर और नोखा की मंडी में नए मोट का भाव 5300 से 6000 रुपए के बीच चल रहा है। वहीं पश्चिमी राजस्थान की मंडियों में गवार का भाव 4500 से 5500 के बीच है। इसबगोल अधिकतम 14000 रुपए पहुंच गई है। नोखा की मंडी में इसबगोल का भाव अधिकतम 13990 रुपए रहा। अच्छा देखिए, फिलहाल नया मूंग मंडियों में अभी तक पहुंचा नहीं है। मूंग के भाव की बात करें तो फिलहाल प्रदेश की अधिकांश मंडियों में मूंग का भाव 8200 रुपए के आसपास है। जानकारों का यह भी कहना है अगर मांग बढ़ी तो अब की बार मूंग का भाव 10000 रुपए तक भी जा सकते हैं। खैर आगे बढ़ जाते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में इस बार मानसून खूब मेहरबान रहा, लेकिन अब राजस्थान को बरसात से निजात मिलने जा रही है। मानसून की विदाई शुरू हो गई है। वैसे आपको बता दूं, अभी भी पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है, लेकिन काफी कम बारिश की संभावना है। विभाग ने मानसून को लेकर भविष्यवाणी करते हुए बताया है कि पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी शुरू हो गई है। अच्छा, आपको यह भी जानना चाहिए मौसम विभाग देश में मानसून की विदाई की घोषणा कब करता है। देखिए, जब किसी क्षेत्र में लगातार कम से कम 5 दिनों तक बारिश बंद रहती है। इसके अलावा निचले सौभ मंडल में एक एंटी साइक्लोन बन जाता है और हवाओं में नमी की मात्रा भी काफी कम हो जाती है। इन सभी वजहों से मानसून की विदाई की घोषणा की जाती है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में मानसून विदा हो गया है, इसीलिए दिन के तापमान अचानक बढ़ गए हैं और रात में हल्की सी ठंड का भी एहसास होने लगा है। अच्छा, बड़ी खबर आपको दे दूं, अब कोटा उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां 25 सितंबर से 30 सितंबर तक दर्ज होने की संभावना है। प्रदेश के बाकी हिस्सों में लगभग मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान में तबादलों का दौर जारी है। राजस्थान में फिर 11 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया है। लगातार तीसरे दिन सरकार ने अधिकारियों का तबादला किया है। एक और बड़ी खबर, जयपुर हेरिटेज नगर निगम की महापौर दिनेश गुर्जर को मेयर पद से हटाने के बाद जयपुर हेरिटेज नगर निगम की कार्यवाहक के रूप में कुसुम यादव को चुना गया है। दरअसल आपको बता दूं, मुनेश गुर्जर पर लगातार चल रहे मामलों को लेकर उनको पद से हटाया गया है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।